तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिशा वकानी के फैंस तब परेशान हो गए जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें गले का कैंसर हो गया है। दिशा वकानी 2017 में मैटरनिटी लीव के बाद से शो में नहीं लौटी हैं। उनकी वापसी को लेकर कई बार खबरें आती रहीं, लेकिन दिशा दोबारा नहीं आई। अब जब एक्ट्रेस के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह उड़ी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निदेशक मालव राजदा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और ऐसी खबरों पर बेहद नाराजगी जाहिर की है। दिशा के भाई और एक्टर मयूर वाकानी ने इस खबरों को पहले ही आधारहीन बता दिया था। गुरुवार को मालव ने दिशा के गले के कैंसर की खबरों पर रिएक्शन दिया और गलत रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। मालव ने एक न्यूज आर्टिकल की हेडिंग शेयर की जिसमें दावा किया गया है कि दयाबेन शो में जिस तरह की आवाज निकालती थी उसकी वजह से उन्हें गले का कैंसर हो गया है। मालव ने इसके साथ कैप्शन में दिया, जैसा कि जेठालाल कहते हैं, नॉनसेंस। न्यूज रिपोर्टिंग एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। इसने वाकई मुझे हैरान कर दिया है कि इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे। यार, इतनी बड़ी न्यूज है, कम से कम क्रॉस चेक तो करो। ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि इस तरह की न्यूज प्रिंट कर दी जाती है। जब तक कि आप सुनिश्चित न हो, ये उनके फैंस के लिए ये पूरी तरह गलत खबर है। पोस्ट पर एक फैन ने लिखा है, आजकल की रिपोर्टिंग वाकई निराश करती है। एक ने कहा कि इतनी अफवाह कैसे फैलती है। बहुत सारे यूजर्स ने कहा कि ये बात बताने के लिए उनका शुक्रिया। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।